अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं अपना व्लॉग फिर जो है वो खान से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के सामने घर बन रहा था तो मजदूर वगैरह प्लस्तर वगैरह करे तो कमरे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से मैं किचन से ही व्लॉग बना रही थी। मैंने कहा चाहे जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत बना दूँगी। तो मैं रोटियाँ बना रही थी, एक चूल्हे पर रोटियाँ बना रही थी, दूसरे चूल्हे पर मैंने साथ ही कढ़ी बनने के लिए रखी हुई थी। तो कढ़ी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था। तो इस वजह से, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो कढ़ी खाई नहीं जाती, तो बहुत अच्छा बारिश वाला मौसम था, तो मैंने कहा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो हमने कढ़ी जो है वो दही से बनाते हैं, कुछ लोग लस्सी से बनाते हैं, लेकिन हम लोग दही की लस्सी जो बनती है उसको बनाकर फिर हम लोग कढ़ी तैयार करते हैं। तो कढ़ी बहुत ही अच्छी थी। मैंने पालक भी कट करके रखी थी, कुछ कढ़ी में डालती हूँ, कुछ पकौड़े बनाऊँगी, और खाना खाने के बाद आपके साथ जो शॉपिंग है वो भी शेयर करूँगी। तो ये मेरी सिस्टर जो है वो ताज़ा फ्रेश जामुन तोड़ के लाई थी। अच्छा, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो मौसम भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ हुआ था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए जी, ये शॉपिंग है जो मैं करके आई थी। मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये ड्रेसेस हैं जो हमने लिए थे, सबकी शॉपिंग है, सिर्फ मेरी शॉपिंग नहीं है। तो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ किसने क्या क्या लिया था। तो ये देखें, ये हमने लिया था शाहपीर का ड्रेस है, लॉन दुपट्टा के साथ है। ये मेरी अम्मी ने ड्रेस लिया था, बहुत ही अच्छा कलर है। ये आप कैटलॉग से डिज़ाइन भी देख लें, बहुत ही प्यारा है। तो मैं भी आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये कलर है। तो जी अभी इसको हम खोलते हैं, तो अब मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये शर्ट है, इसका गला बना हुआ है, बहुत ही प्यारा डार्क ब्राउन कलर में इसके साथ कढ़ाई की मैचिंग है। और ये इसके दामन पे डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ड्रेस, और कलर भी बहुत ही अच्छा था। ये प्रिंट बैक इसकी प्रिंटेड है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक कर लें आप एक दफ़ा, ये बैक है इसकी। मैं पूरी खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरी सिस्टर रूम में नहीं थी, वरना उसको मैं कैमरा पकड़ा देती। तो ये देखें, ये इसका बैक है प्रिंट, और ये इसका फ्रंट था, ये इसका दामन था, और बाजू भी ऐसे ही है जैसे बैक का प्रिंट था। उसके साथ ये देखें, ये शलवार का है, सिंपल है, प्लेन। आजकल आपको पता है कि प्रिंटेड भी बहुत शलवार चल रही है, लेकिन अम्मी प्रिंटेड नहीं पहनती, इस वजह से हमने प्लेन ली थी। और ये देखें, ये इसका दुपट्टा है, प्रिंटेड में है, ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमने एक सूट अम्मी ने लिया था, और आप एक दफ़ा फिर से इसके कैटलॉग पे देख लें कैसे बाजू बने हुए थे, कैसे बाजू थे, ये पूरा डिज़ाइन था, ये आपको अच्छा लगा हुआ था। और उसके बाद ये हमने और ड्रेसेस लिए थे, ये ड्रेस था, ये मुझे पसंद आया था, ये आप कैटलॉग से देख लें। ये अलकरम का सूट है, ये भी लॉन है, लेकिन इसका अच्छा फ़ोन का दुपट्टा है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसा है इसका कलर और सब कुछ। ये देखिए, इसका कलर बहुत प्यारा है, ये दुपट्टा है, सिर्फ एक ही कलर का प्रिंट बना हुआ है, ज़्यादा प्रिंट नहीं है। वैसे भी इसके साथ ना वाइट शलवार थी ज़्यादा, तो वाइट शलवार मैंने लेनी नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी। और ये इसके सेम सूट कलर है, तो वाइट सलवार मुझे इसलिए नहीं पसंद, क्योंकि आपको पता है बकरा ईद है, गोश्त की गोश्त होगा, खून होगा हर जगह, तो इस वजह से वाइट जो सलवार है वो बहुत गंदी हो जाती है जल्दी, तो इस वजह से मैं नहीं पहनूंगी। तो बस इसी वजह से मैं जो है वाइट सलवार नहीं ली थी। वैसे मुझे वाइट सलवार वाले सूट बहुत पसंद आए थे, तो फिर मैंने चेंज कर लिए। ये देखें, ये दुपट्टा है इसके साथ, वाइट प्रिंट है, बहुत ही प्यारा कलर था ये भी, और इसके साथ ये प्लेन सलवार है। मैंने फिर सेम कर लिया कि वाइट नहीं लेना तो ये कर लें, तो इस वजह से ये शलवार है। और उसके बाद ये है शर्ट, इसके ऊपर भी सारा प्रिंट बना हुआ है वाइट में। तो ये के बैक है ये सूट की प्रिंटेड में, और इसकी फ्रंट भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये दामन बना हुआ है नीचे। और इसको खोलती हूँ, इसका गला जो था वो मुझे बहुत ही पसंद आया था, बहुत ही नफीस बना हुआ था। ये चेक करें आप, करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही प्यारा बना हुआ था। तो बस ये ड्रेस मुझे पसंद आ गया था, मैंने ये अपने लिए ले लिया, और जब स्टिच हो जाएंगे फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी सारे ड्रेसेस के डिज़ाइन क्या बनाते हैं, कैसी लेसें लगाते हैं, कैसा तैयार होते हैं ये ड्रेस। तो अभी हम नेक्स्ट ड्रेस आपको दिखाती हूँ, वो भी किसका है। तो नेक्स्ट ड्रेस है, ये भी सेम कलर है, तो जैसा उसका कैटलॉग था वैसा ही ये
इसका कैटलॉग है, सेम डिज़ाइन है, कलर बस डिफरेंट है। तो ये भी अलकरम का है सूट है, इसके साथ भी शिफॉन दुपट्टा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको खोल के दिखा दूँ, लेकिन दिखा देती हूँ, चलें आप कहते हैं तो दिखा ही देती हूँ आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका भी कलर बहुत ही प्यारा है, सेम ड्रेस है ये। थोड़ा सा आपको अंदर से खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर ये गला बना हुआ है, जैसा कि सेम मैंने पहले ड्रेस पर दिखाया वैसा ही है। ये इसके तरह शिफॉन का दुपट्टा है, ये इसकी बैक है और ये इसका शलवार है। बस इतना सा दिखा देती हूँ, और जब ये मेरे ड्रेस तैयार हो जाएंगे, स्टिच हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको लाजमी अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप मेरे पूरे व्लॉग देखा करें। तो बस अब मैं दूसरे ड्रेस दिखाती हूँ कि हमने और क्या लाया था। तो एक ये बाई का सूट लिया था हमने, हमें ये पसंद आ गया था। वो बहुत लाइट कलर पहनता है, उसने डार्क कलर बहुत कम पहनता है वो, तो इस वजह से ये गुल अहमद का लिया था हमने सूट। ये आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है गुल अहमद। तो इस वजह से बहुत ही प्यारा कॉटन है ये, बहुत ही अच्छी सी कॉटन है ये। इसका स्टिच होने के लिए देना है हमने, तो इसके ये कपड़े जो हैं वो टेलर के पास जाएंगे, और दूसरे कपड़े जो हैं वो मैं खुद ही डिज़ाइन करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो उसके बाद एक ही हमने ड्रेस लाया था, ये निकल जा ये। तो ये अब्बू का ड्रेस लाया था, क्योंकि अब्बू जो है वो कॉटन बहुत कम पहनते हैं, शादियों वगैरह पे पहन ली ऐसे, लेकिन नॉर्मली अब्बू जो है वो ड्रेस इसी तरह का पहनते हैं। बहुत सॉफ्ट होता है ड्रेस, क्योंकि घर में भी इजीली बंदा वेयर कर सकता है। तो अब्बू को हम कहते रहते हैं कि अब्बू कॉटन ले आए, लेकिन अब्बू कहते नहीं मेरे लिए ये वाला कपड़ा लेकर आओ। तो अभी मुझे इस कपड़े का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट सा है। तो अभी बाकी मैं दिखाती हूँ, दो हमने और लाए थे ड्रेस। ये शर्ट है, ये ऑल राउंडर सूट भी मिलते हैं, लेकिन हमें इसके साथ ये कंट्रास्ट किया था शलवार का। एक ये ड्रेस है, ये पूरा प्रिंटेड है, और ये प्लेन शलवार है। और एक हमने ये ड्रेस लाया था, ये भी ऑल राउंडर है, और ये इसके साथ शलवार है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा प्रिंट है इसमें, तो इसके साथ हमने ये ले लिया था। और बस आज हमने इतनी सी शॉपिंग की थी, नेक्स्ट और भी बाज़ार जाएंगे शॉपिंग करेंगे, तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को देखा करें। तो अभी ये बस आज की मेरी शॉपिंग थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको शॉपिंग पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।